अस्सलाम वालेकुम। हेलो चना, वेलकम टू माय गाइस। चलिए अब एग्ज़ाम्स हो गए हम लोग के फ्री, है ना, मतलब ख़त्म हो गए, फ्री हो गए एग्ज़ाम्स से। अब 5 दिन की छुट्टियां हैं नवरोज़ की, उसमें से हमने भी 2-1 दिन की एक्स्ट्रा ले ली। क्लासेस रहेंगी, ऑनलाइन लगवा लेंगे, ट्राई करेंगे मतलब। तो सोचा है कहीं बाहर जाएँ, प्लान जाएँ, तो पावलोदार जा रहे हैं। तो बस यही, आपको पूरी ट्रिप दिखाएंगे, पावलोदार घूमेंगे, आपको साथ में दिखाएंगे क्या कैसी जगहों पर जा रहे हैं। मैं भी पहली बार जा रहा हूँ पावलोदार, बाकी सब जो 7 दोस्त हैं वो अल्माटी गए, लेकिन अल्माटी क्या मैं 2-3 बार होकर आ चुका हूँ। मैंने कहा यार कि मुझे ही नया एक्सपीरियंस नहीं होगा अल्माटी, तो अभी क्या वापस 3 महीने बाद जब इंशाल्लाह डिग्री लेके जा रहे होंगे तब दिखा देंगे। तो अभी पावलोदार जा रहे हैं घूमने, चलिए बस अभी तो उठा हूँ, 10:30 हो रहा है, और रेड चेंज वेंज करना है, रेडी होना, उसके बाद फिर निकलना उसके लिए। ट्रेन वगैरह 4 बजे की ट्रेन है, तो 3 बजे यहाँ से निकलेंगे। थोड़ा बहुत खाने का, शॉपिंग वगैरह करना है, लगेज वगैरह पैक करना है। चलिए बस आप मिलते हैं फिर, है ना, ट्रेन का सफर दिखाएंगे। अब आ रहा है एक छोटा सा टिकटॉक ट्रांजिशन टाइप, हो गया तैयार, चलो चलते हैं ना। रेडी हो गया, बस शॉपिंग के थोड़ा सा पैसे निकालने जाना है ना। ये देखो फ्लैट में है, अभी तो फ्लैट लिया हुआ था, अब पैसे निकालने जाना है, और थोड़ा सा सामान लेना ट्रेन के लिए। तो चल चलते, चलिए बाय। आ गए कजीना, यहीं निकालेंगे पैसे। यहाँ पे कैश भी, ATM, 3-4 ATM लग रहे हैं, और कैश भी वगैरह भी है, तो यहीं काम हो जाएगा। नवरोज भी चल रहा है तो भीड़ देखो कितनी है, छुट्टियों का टाइम आ गया ना। पैसे डलवा लिए कैश भी में, वो सब शॉपिंग के लिए तैयार। हाँ पैसे निकाल लिए, शॉपिंग करनी है थोड़ा बहुत, वही खर्चे की शॉपिंग करनी है, अंडरग्राउंड है कजीना के शॉपिंग, मतलब ट्रेन के लिए थोड़ी बहुत कर लेते हैं, चिप्स वगैरह ले लेते हैं सफ़र के लिए। 6 घंटे की ट्रेन है वैसे तो, बस पता भी नहीं चलेगा। ये उठाया अपन ने बास्केट, चले शॉपिंग पे। हो गई शॉपिंग, इतना सामान बहुत है सफ़र के लिए, 6 घंटे के सफ़र में इतना सामान भर लिया, हम महीने भर का। खाने पीने के शौकीन है, शॉपिंग डन, सामान भी ले लिया, और अब जा रहे हैं वापस। बस ये रखूँगा, और 1 घंटे बाद ट्रेन है, तो ट्रेन बस 1 घंटे बाद नहीं, 2 घंटे बाद ट्रेन है, तो 1 घंटे बाद निकल जाऊँगा स्टेशन के लिए। ऑल रेडी टू गो, बस टैक्सी आ रही है, टैक्सी का वेट कर रहे हैं, फिर बस स्टेशन जाएंगे और फिर ट्रेन में बैठ के निकलेंगे। एक्साइटेड तो है यार, बहुत मज़ा आएगा। टेम्परेचर काफ़ी थोड़ा गिर गया यार, एकदम से साला ड्रॉप हो गया। जब कुछ प्लान बनाओ, जब कुछ ना कुछ तो होना ही है, फिर इंशाल्लाह कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम तो आएगी नहीं। और चलते हैं, चलिए स्टेशन दिखाते हैं आपको। ये है ट्रेन स्टेशन, यहाँ से एंट्रेंस जाना है, लगेज चेक कराना है जैसे एज एयरपोर्ट, और फिर ट्रेन में बैठेंगे। 1 घंटे बाद है ट्रेन, अभी 1 घंटे बाद नहीं, 40 मिनट बाद। बैगेज चेकिंग हो गई मस्त, इतना सिक्योरिटी भी नहीं थी, और सब पीछे देखो आप कितनी पब्लिक है, भर रही है पूरी पब्लिक। ऊपर भी ये फ्लोर, अपनी ट्रेन आएगी यहाँ पीछे से, दिखाता हूँ। यहाँ के ट्रेन स्टेशन तो एयरपोर्ट जैसे ही होते हैं, इंडिया जैसे तो अच्छे ही हैं थोड़े बहुत। उधर आएगी ट्रेन, करता हूँ कोशिश बाहर निकलने की, बाहर ठंड हो रही है, सोच रहा हूँ यहीं बैठा रहा हूँ थोड़ी देर। भैया ये लगेज चढ़ाने में सांस फूल गई, 30-1 किलो पता नहीं क्या भर लिया यार मैंने। ये देखिए यहाँ से नीचे का रास्ता, ये ऊपर सिटिंग रूम है, मस्त यार, यहाँ बैठते हैं अभी, सीट्स तो खाली हैं, कहीं भी बैठेंगे। एसी होती है यहाँ की ट्रेन, मस्त एसी वाली, बेड वेड लगे रहते हैं। अंदर से दिखाता हूँ भी आपको, और एक बार को तो डरा दिया इन्हें मैंने, वो TC से पूछा कि ये वाली ट्रेन है क्या, ये आ गई ट्रेन हमारी। मैंने पूछा ये वाली ट्रेन है क्या, कहती कि नहीं ये ट्रेन तो है ही नहीं, तो मैं तो कोई ट्रेन ही दूसरी है। ओ मैंने कहा रहा बाप रे, फिर मैंने ऑफिस में चेक करवाया, उसने कहा नहीं यही ट्रेन है जाओ, तो TC से बोला, तो उसने कहा कि हाँ यही वाली ट्रेन है, इसमें बैठ जाओ, ये वाला रहा, ये रहा हमारा बुगी, कुपा कुपा कहते हैं यहाँ पर। ये है मेरा कैबिन, मतलब सीट, ये मैंने बैग रखी दिया था यहाँ पर, ये मेरी सीट है। ये देखो आपके यहाँ के रूम कैसे होते हैं, बताऊँ आपको, ये है यहाँ की ट्रेन ऐसी, कंबल वगैरह तकिए वगैरह दे रखे हैं वो खाना निकालने के लिए। ये एक बेड ये है, और एक बेड इसके अंदर है, वो आता है TC, यहाँ चाबी लगाता है फिर इसको खोल जाता है। यहाँ से लाइट वगैरह भी जलती है, कहाँ से जलेगी, यहाँ से जलेगी शायद, अभी है शायद दिन के टाइम बंद कर रखी होगी, हाँ ये जल रही है यहाँ की, जल गई, मस्त यार AC चल रहा है, और ऐसे ये सुकून कह रहा था, 4 लोग एक में जा सकते हैं, 2 वाला भी होता है लेकिन वो बहुत महंगा पड़ता है। मैंने कहा अकेले ही जाना है तो क्या करूँ इतने सारे का। दिखाता हूँ मैं आपको, ये बाहर से ये ट्रेन है, ये बुगी है, यहाँ है पानी पीने का, ये ऐसी रहती है, यहाँ से लाइन से है कमरे,
अच्छा मेरा पड़ोस वाले कमरे में जो है ना, इसमें सिटिंग सीट्स हैं पूरी, इसमें अभी कोई आया तो नहीं दिखाता हूँ आपको, तो बैठ के जाने वाली सीट है चारों। हो सकता है ऊपर से बेड खुल भी जाए, कुछ होगा मामला इसका पता नहीं, मैंने नहीं लिया वाली इसलिए। और ये है अपनी पानी का मशीन, दिखाता हूँ और आपको अभी लोग बैठे रूम बंद में। ये है दो वाली, आपको बता दें ना दो वाली भी होती है, ये दो वाली प्राइवेट, ये इसमें, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव होती है, ये इसलिए नहीं ली मैंने। यहाँ का वॉश, ये मुँह हाथ धोने के लिए, मुँह हाथ धोने के लिए ये गर्म पानी आता है इसमें। और ये है टॉयलेट, अल्हम्दुलिल्लाह किस्मत अच्छी थी कि वो क्या पावर था, इतने लोग जा ही नहीं रहे अभी, क्या नवरोज का टाइम ना, सब छुट्टियों पे, तो मैं पूरे बोगी में मैं अकेला ही हूँ बस, मतलब चार वाले में भी अकेला ही गई, चलो पैसे बच गए और ये देखे गई अभी वो। और एक चीज़ और मैं दिखाऊँ आपको, मैं आपको सीटिंग का बताया था ना, एक जो दिखाता हूँ हटा दूँ, बताता हूँ देखो आपको, ये जो है ना ये सीट ऐसे उठ के, नहीं ऐसे नहीं, ये ऐसे उठ के ये बैठने की बन गई, ये दिन में जाना बैठ के जाओ, सो के जाना सो के जाओ। क्रिस्मा जेठा लाल की अभी वापस खुलवा के चाबी लगवा के खुलवाया है, क्योंकि क्या किया था मैंने, इसको ऊपर लगा दिया था ना, एकदम ओवर फिट कर दिया तो वो लॉक हो गया था, तो वो नीचे नहीं हो रहा था बिस्तर। फिर उन्हें बुलाया, उसको आंटी को बुलाया और फिर वो करवाया उससे, क्या करवाया, बेड से खुलवा, मैंने कहा उसको नीचे कर दे वापस से, नीचे करके गई है। चलिए अब वेट है बस, 5-10 मिनट में निकलने वाली ट्रेन और फिर आ गई आपको एक बार। हाँ बस ये थैली दे के गई है कचरा रखने के लिए, ये डस्टबिन पड़ा नीचे। चलिए अब बस वेट है, ट्रेन जल्दी से निकले, मिलते हैं इंशाल्लाह पावलोदार में, अल्लाह हाफिज। मुझे कोई इस चीज का जवाब दे कि ट्रेन के अंदर स्विमिंग करना क्यों मना है, ये तो रूल के बिल्कुल खिलाफ हुआ कि भैया ट्रेन में स्विमिंग ही नहीं करने दे रहे। मैं ये टंकी के अंदर स्विमिंग करना चाहता हूँ, क्या करूंगा ट्रेन के अंदर, नो स्विमिंग, ठीक है। यार नींद नहीं आ रही है, क्या करें बैठे बैठे, तो क्या मैं तो थोड़ा वो यहाँ कैंटीन भी होता है, तो मतलब ट्रेन के अंदर कैंटीन होता है मस्सा, तो वही कैंटीन जा रहा हूँ, कैंटीन दिखाता हूँ आपको है ना कैसा है, ढूंढता हूँ कहाँ, पूछता हूँ अभी टी सी से कौन से साइड में, 15 हम तो 15 नंबर की बुकी में है शायद, ये इधर दिख रहा है, ठीक है देख के बताता हूँ, ज़्यादा दूर तो नहीं है, 10 नंबर पर बताया उसने, ये बनना है ना, ये देखा ही नहीं मैंने इधर, 10 नंबर पर बनाया उसने, बताया उसने, मैं तो 15 पर हूँ, मैं जा रहा हूँ 10 नंबर तक, 5 ही बुकी चेंज कर लिए जाते, मजा आ रहा है यार मेरे को, तो मजा आ रहा है, और ये आ गया यार मस्त कैंटीन, तो ऊपर कैसे होगा अच्छे का, ओ बटन दबा के खुलता है, वाह यहाँ है कैंटीन तो मस्त सा। एक और जगह है, हाँ ये रहा, ओ वाह यार पूरा रेस्टोरेंट टाइप है ये तो, उसने कहा यहाँ आके बैठ जाओ, यहाँ आराम से ऑर्डर दो, सीट्स भी अच्छी वाली है, देखो आप कितना महंगा है सामान यहाँ पे, बस ये देखो यहाँ लो कॉफी और यहाँ बाहर बैठ के व्यू एंजॉय करो, मजा आ जाए। जा रहा हूँ वापस और ये है मेरा फेवरेट पार्ट, साला ट्रेन में खतरा टेक्नोलॉजी, और हमारी ट्रेन रुक गई यार कहीं पे, ये देखो क्यों रुकी है यहाँ पे बीच फाटक पे, भी फाटक नहीं मतलब बीच, रेगिस्तान भी नहीं कह सकते थे तो, बीच बर्फीले रेगिस्तान में क्यों रुकी है हमारी ट्रेन, देखता हूँ जाके
कह रहा था ना आपको लाइट भी जलती है, देखो 1 2 3 जल गई, मस्त। बस 20-10-15 मिनट में आने वाला है पावलोदार। अंधेरा हो रहा है भयंकर, कुछ भी बाहर का कुछ दिख भी नहीं रहा, खाली, एक तो वैसे खाली ग्राउंड रहते हैं। अरे वो आई थी उठाने, अभी सो गया था मैं, तो जाएंगे बस मुँह हाथ धोता हूँ, वापस पैक करता हूँ, थोड़ा बहुत सामान खोल लिया था, फिर मिलते हैं ना। उठ गए, होता है यहाँ बहुत रेयर कंडीशन होती है जब ट्रेन लेट हो, मतलब जैसे अगर यहाँ हमने 10:10 का टाइम दे रखा है कि 10:10 पर ट्रेन पहुँच जाएगी पालोदा, 10:10 में एग्जैक्ट पहुँच ही जाएगी। काफ़ी टाइम के ये लोग पंचुअल रहते हैं, जैसे नहीं बाकी जापान वगैरह सिटीज में, उस टाइप में यहाँ भी जो है ना ट्रेन का टाइमिंग सही है। अपने इंडिया में तो 8 बजे का टाइम है, 11 बजे ट्रेन आ रही है, अभी वहाँ ऐसा नहीं है। आ गया पावलोदार स्टेशन, ये रहा, मस्त लग रहा है। जा रहा हूँ मैं तो हॉलवे में, बहुत भीड़ है यार, कितनी पब्लिक है। ट्रेन में तो कोई भी नहीं दिखा, तो पता नहीं कहाँ से एकदम से उतर के आ रहे हैं। हमारी ट्रेन तो खाली पड़ी थी, बस टैक्सी बुक करनी यार फ्लाइट के लिए। ये मस्त है यहाँ पे स्टेशन, ट्रेन स्टेशन, एयरपोर्ट जैसे ही है, यहाँ जाके एग्जिट है। मैं टैक्सी बुक कर लेता हूँ, पहले ये सामान रखा है अपना, टैक्सी बुक कर लेता हूँ फिर निकलूँगा। बाहर तो ठंड हो रही है यार काफ़ी, टैक्सी आ गई है, वो बाहर से तो बहुत खूबसूरत है यार ये ट्रेन स्टेशन। हाँ ये हमारी टैक्सी, पेट्रोल रेट तो बहुत सस्ते हैं यहाँ पर, मतलब ये समझ लो आप 30 से 40 रुपए लीटर पड़ रहा है बस इंडिया का, इंडिया से बहुत, मतलब इंडिया में इसका 3-4 गुना मिल रहा है, सोचो बहुत महंगा पेट्रोल है यहाँ, यहाँ तो बहुत सस्ता है। आगे ये वाला है, उस पर फोन किया भाई को आने वाली है, पूरे अपार्टमेंट से अपार्टमेंट है यहाँ पे, छोटा सा पार्क वगैरह है, जिम वगैरह टाइप का है। लगेज वगैरह भी ले आया, 11:30 हो गया भाई साहब आते आते। चलिए खैर गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और 5 दिन पावलोदार में हूँ तो 5 दिन की वीडियो बनाऊँगा, 5 दिन का व्लॉग आएगा इंशाल्लाह, वो ऐसे ही देखते जाइए और दोस्तों में शेयर करिए, है ना। थक गए बहुत, अब बस खाए कुछ खाऊँगा फिर सोएंगे। बाय, अल्लाह हाफिज़।